नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रश्मि और मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आया करें, सरल लगा करें, इजी लगा करें, आपके काम के हों, तो उन्हें लाइक कर दिया करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें कि वो आपको कैसे लगते हैं। हक्का नूडल चाउमीन से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए आज इसका सही तरीका जानेंगे। सबसे पहले तो हमें नूडल्स उबालने के लिए पानी उबालना होगा। तो मैंने यहाँ 1 लीटर के लगभग पानी रखा हुआ है एक पैन में, और इसमें हम आधा छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं जिससे कि नूडल्स में सॉल्ट का फ्लेवर आ जाए, और डाल देंगे 2 चम्मच तेल जिससे कि नूडल्स बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। यहाँ पर हक्का नूडल है, आप किसी भी ब्रांड का हक्का नूडल ले सकते हैं। ये नूडल थोड़ा स्वाद में भी डिफरेंट होता है, और इसके अंदर जो अपना स्पेशल मसाला होता है उसकी वजह से ये नूडल चाउमीन की वजह से बिल्कुल अलग बनता है। तो ये यहाँ पर है इसका टेस्ट मेकर, और यहाँ ये हक्का का ही सोया सॉस और चिली सॉस है। तो नूडल्स को अलग कर लेते हैं, तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जिससे कि इनकी लेंथ बरकरार रहे। जब पानी उबलने लगेगा तभी हम डालेंगे नूडल्स को। तब तक सब्जियां देख लेते हैं। हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, प्याज और गाजर, बंद गोभी इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इधर पानी उबलने लगा है तो उबलते हुए पानी में डालेंगे और फ्लेम को धीमा कर लेंगे थोड़ा सा हम, और इसे उबालेंगे। नूडल्स जब भी उबालें, कोई भी नूडल्स हो, उसे बहुत ज़्यादा ना गलाएं, चाहे चाउमीन बना रहे हों या हक्का नूडल बना रहे हों। और ज़्यादा इन्हें बार बार टर्न भी ना करें पानी में डालने के बाद में, इन्हें अपने आप बॉयल होने दें और किसी टोंग की मदद लें कड़छी की अपेक्षा। तो जब देखेंगे नूडल्स थोड़ा टाइट ही रहे, एक बहुत हल्का सा तार रहेगा नूडल के अंदर, जब इसको आप दबा कर देखेंगे तो इट मीन्स कि नूडल हमारा परफेक्टली रेडी है। अगर बिल्कुल गला देंगे आप, गलाने के बाद इसको छानेंगे तो रखे रखे उसमें जो हीट रहती है उसमें और भी ज़्यादा पक जाएगा। मैंने यहाँ छन्नी में इसको छन्नी में छान लिया है। अब इसमें ठंडा पानी डालूंगी जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। एक्स्ट्रा स्टार्च की वजह से नूडल्स बिल्कुल चिपक जाते हैं। 1 से 2 बार इसको अच्छे से धो लेंगे जिससे कि सारा स्टार्च निकल जाए। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट पानी में डालकर फिर से छान सकते हैं। तो देख रहे हैं मैंने 2 बार धो लिया है, और इसे इसी तरह से रख के छोड़ दूंगी जिससे कि सारा पानी इसका स्ट्रेन हो जाए। यहाँ पर सब्जियाँ बिल्कुल बारीक और लंबी काटनी हैं। आपके पास लाल शिमला मिर्च ना हो तो रहने दीजिए, सिर्फ हरी शिमला मिर्च डालिए, लेकिन बंद गोभी बिल्कुल मत डालिएगा। प्याज के स्लाइसेस को हम खोल लेते हैं इस तरह से, और ये जो टेस्ट मेकर है इसको भी हम काट कर रख लेते हैं जिससे कि डालने में हमें आसानी हो बाद में, इस तरह से। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई पैन जिसमें भी आप बनाना चाहें, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। जितनी सब्जियां, जितना नूडल्स की क्वांटिटी हो उसी हिसाब से लीजिएगा, और ताज़ा कुछ काली मिर्च है जिसे मैं ताज़ा ताज़ा ही कूट रही हूँ। ताज़ी कूटी काली मिर्च का स्वाद ही अलग होता है। अब जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये चाइनीज़ हमारा जो है आज की डिश है, तो चाइनीज़ कुकिंग हमेशा बहुत ही हाई फ्लेम पर होती है, तो सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। प्याज का क्रंचीपन बना रहे उसके लिए प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, बस हल्का सा ही कुक करना है। इसमें हल्का सा हम विनेगर का भी इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो विनेगर का ऑप्शन स्किप कर सकते हैं। गाजर डाल देंगे क्योंकि गाजर टाइट होती है। सबसे बाद में शिमला मिर्च डालेंगे क्योंकि शिमला मिर्च सॉफ्ट होती है और उसे कच्चा भी खाया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें हम अच्छे से टॉस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, फिर ये एकदम उनका कलर तो चला ही जाएगा। और ये बहुत ही, जब गाजर हल्की मुलायम हो जाए तो इसमें हम दोनों शिमला मिर्च डाल देंगे बारी बारी से, हल्का हल्का चलाते हुए। अभी हम इसमें नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे स्टार्टिंग में। चाउमीन बनाएं या हक्का नूडल, नमक कभी ना डालें सब्जियों को पकाने में, क्योंकि फिर इससे सब्जियां पानी छोड़ देती है और इनका सब्जियों का कलर भी चला जाता है। सबसे लास्ट में डालूंगी रेड कैप्सिकम यानी कि लाल शिमला मिर्च, और इसे भी अच्छे से कर दूंगी मिक्स। सब्जियों को अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है पकाना, अगर कच्ची रहेंगी तब भी बात नहीं बनेगी। और बस इसी स्टेज पर फ्लेम को करिए धीमा, और कुटी काली मिर्च डाल देंगे, इससे लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा जो कि अनहेल्दी भी होता है। काली मिर्च बहुत हेल्दी भी रहती है, तीखापन तो देती ही है।
बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर डाला हुआ है, एक छोटी चम्मच, जिससे कि एक अलग ही टैंगीनेस आती है हमारे नूडल्स में और सब्जियों में। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में नूडल्स हम डाल देंगे। देख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं चिपके हैं, इन्हें हाथ से उठाकर इसी तरह से डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, और इसे अब हम मिक्स कर देंगे। हक्का नूडल्स में वैसे तो सोया सॉस नहीं जाती है, मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन इसमें जो सोया सॉस मिलती है पैकेट में हक्का नूडल के, उसे आप डाल सकते हैं थोड़ा सा। जो टेस्ट मेकर था उसे हम डाल देंगे यहीं पर नूडल्स के साथ में, जिससे कि जब हम मिक्स करें तो सारे फ्लेवर नूडल्स और सब्जियों में मिक्स हो जाएं। यहाँ पर आप टोंग की मदद ले सकते हैं, जिससे कि आपके जो नूडल्स हैं वो टूटे नहीं। इसे अच्छे से मिक्स करना है, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और इसमें जो सोया सॉस है थोड़ा सा उसको डालेंगे, और इसी के साथ में रेड चिली सॉस भी आती है, अगर आती है तो डाल दीजिए, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, चिली सॉस आप बाद में भी डालकर खा सकते हैं। और बस इसको डालकर अच्छे से कर दीजिए मिक्स। वैसे आप हक्का नूडल अगर बना रहे हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप ना ही चिली सॉस डालें ना ही सोया सॉस डालें, उसको बाद में चिली सॉस और टोमेटो सॉस डालकर सर्व करें। बस इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से कर लीजिए मिक्स, और आपके नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं, इन्हें बस सर्व करना बाकी है। गैस को मैंने ऑफ कर, गर्मा गर्म ही इसे सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए।